तुलसीराम जी, स्वागत है आपका। चर्चा आईटी की ही चल रही है और देखिए खबरें भी हैं, एससीएलटेक का बायबैक आ गया, इन्फी के नतीजे आने वाले हैं, तो इनमें टीसीएस, इंफोसिस और एससीएलटेक में क्या आपको इस वक्त मौका दिख रहा है, कहीं आप क्या चुनेंगे? देखिए प्रदीप, इंफोसिस पे अगर मैं कॉल दूं तो जनरली जो है रिजल्ट्स के अलावा उनका जो गाइडेंस होता है वो बाजार को पिछले 3 या 4 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा निराश करता है, और जिस हिसाब से आईटी स्टॉक्स में एक सारी रैली आई है उसको देखते हुए थोड़ा सा लगता है कि एक तरह से पॉज करना चाहिए। वैसे भी टीसीएस पे अगर आप रिजल्ट्स के पहले अगर आप बाई करते हैं, जो कि पिछले 4 या 5 या 6 क्वार्टर का ट्रेंड रहा है, उसमें हमेशा शेयर होल्डर ने पैसा कमाया या इन्वेस्टर ने पैसा कमाया है, लेकिन अगर आप इंफोसिस पे रिजल्ट्स के पहले प्ले करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर मैं 68-69 रुपये का EPS मानूं FY19 का, तो उसी शेयर जो है करीबन आपको 19 के P मल्टीपल पे मिल रहा है। आप कंपैरेटिव वैल्यूएशंस करेंगे तो आप TCS का 82-83 के EPS के सामने कह सकते हैं कि वहां पे 23-24 का मल्टीपल है, लेकिन कंफर्ट जो है TCS में ज्यादा है। वर्तमान भाव पे मैं यार अहेड ऑफ रिजल्ट्स इंफोसिस पे बाई की सलाह नहीं दूंगा। HCLTech पे भी जो 4,000 करोड़ का बायबैक आया है 1,100 रुपए में, वो भी थोड़ा सा बाजार को मायूस करेगा, क्योंकि इस पे क्लैरिटी नहीं है कि मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। 60% मैनेजमेंट की होल्डिंग है, अगर मैं मान के भी कि मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 7-8% का एक्सेप्टेंस रेशियो और वर्तमान भाव जो 1,000-1,010 के आसपास है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे भी थोड़ा सा जो है मेरा एक पॉजिटिव व्यू नहीं होगा कि मैं आपको बाइंग की सलाह दूं। तो दोनों स्टॉक्स जो है न्यूज बेस के चलते, जिसमें HCL में बाईबैक अनाउंस हुआ और इंफोसिस में रिजल्ट आने हैं, उसको देखते हुए बाइंग की सलाह नहीं होगी। लेकिन रहा सवाल TCS का, तो TCS को जैसे अब थोड़ा सा अगर IT स्टॉक से एक फोकस अगर शिफ्ट होता है, और अगर ये दो अगर इंफोसिस भी नंबर निराश करते हैं तो 1930-1940 के आसपास आपको TCS पे डेफिनेटली एक ध्यान रखना चाहिए और उस लेवल पे उसमें एंट्री करनी चाहिए। ओके, लेकिन तुलसीराम जी, आज की बड़ी स्टोरी तो फोर्टिस हेल्थकेयर भी है। 170 रुपए प्रति शेयर पर IHH की बिड को मंजूर कर लिया गया है, ओपन ऑफर आएगा। फोर्टिस मलार के लिए ओपन ऑफर की प्राइस भी है 58 रुपए प्रति शेयर। इसे आप क्या कैसे पढ़ रहे हैं और अब क्या सलाह होगी? देखिए मेरे हिसाब से फोर्टिस हेल्थ केयर पे जो फोर्टिस जो मेन कंपनी है उस पर मेरा काफी पॉजिटिव आउटलुक है। एक तो हमारा ऐसा अनुमान है कि शायद 170 से ऊपर भी ओपन ऑफर आए, 171-172-175 कहना मुश्किल होगा, और जो अगर आप देखें 19.60 करोड़ के शेयरों की ओपन ऑफर आएगी, जिससे कि एक्सेप्टेंस रेशियो तकरीबन आपका 40% का मान के चलिए, 38% स्ट्रेट बैठता है, पर ओपन ऑफर में कई शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो आपका 40% का स्ट्रेट एक एक्सेप्टेंस ऑफर आएगा। इसके अलावा अगर आप फोर्टिस के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, अगर मैं इसमें यस बैंक की इनको होल्डिंग को निकाल भी दूं 15-16% का, और 1-1.5% का एक्सिस बैंक का, और FII का जो ओवरसीज इन्वेस्टर है वो तकरीबन 52-53% की होल्डिंग है, और IHH जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर कंपनी है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी FII जो है इस ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि स्टॉक जो एक वास्तली रीरेट होगा। अब जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी कन्फ्यूजन थे वो सारे के सारे बिहाइंड हैं, तो ओपन ऑफर को देखते हुए एक्सेप्टेंस रेशियो आपको एक तरह से अच्छा आर्बिट्राज प्लेन मिलता है अगर आपको 140 में। मुझे नहीं लगता कि शेयर 140 पे खुल रहेगा, 150 से 152 के बीच में शेयर खुलना चाहिए, लेकिन वहां पे भी अगर आपका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो आपको निश्चित रूप से ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करने के एंगल से और लॉन्ग टर्म में बने रहने के एंगल से इस चीज में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप IHH का बैकग्राउंड देखें तो जिस हिसाब से वो 1.5-1.5 साल पहले अपोलो हॉस्पिटल से थोड़ा नाराज होकर निकले थे, उन्होंने अपनी पूरी 8-8.5-9% की होल्डिंग निकाली थी, तो निश्चित रूप से उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है, और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट हाईली प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है, मैनेज कंपनी है, तो इन सारी चीजें जो है अब F40s में आती हुई दिखाई देगी। और जितने भी कंसर्न्स है जो कुछ एसोसिएट कंपनी को लोन दिया गया या सेबी के रिपोर्ट्स वगैरह है, वो सारे पुराने प्रमोटर के ऊपर लगेगी ना कि कंपनी के ऊपर, तो उन सारी चीजों को वरी नहीं रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से बाजार में शेयर जो है अगर 152-154 के नजरिए के आसपास चले तो आपको थोड़ा सा 6 से 12 महीने की अवधि के हिसाब से इसमें एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक IHH आने के बाद में भी पॉजिटिव है और ओपन ऑफर के एंगल से भी, जैसे मैंने बताया कि करीबन 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो है, वर्तमान में 52 करोड़ इशूड शेयर, उस पर 19.60 करोड़ का ओपन ऑफर आएगा, तो अपने आप में काफी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव मूव फोर्टिस हेल्थ केयर पे है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसीराम जी आपका। बाजार खुलने का वक्त अब करीब आता जा रहा है और हमारे साथ अश्विनी गुजराल.com के अश्विनी गुजराल भी